नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट असर। दोस्तों, राहुल को फेंका टीम से बाहर, कहां उठा हिंदुस्तान। दिग्गजों की बड़ी मांग, केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल करो। बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं केएल राहुल की टीम में वापसी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मैच 18 जून यानी कि कल से खेला जाएगा। तो इसी बीच केएल राहुल फैंस के लिए आई बुरी खबर। फाइनल में नहीं दिया गया राहुल को मौका, उनकी जगह सुमन गिल को दिया गया ओपनिंग की जिम्मेदारी। अपेंडिक्स बीमारी के बाद एक बार ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन वह टीम के साथ 3 जून को इंग्लैंड के लिए फाइनल खेलने के लिए रवाना हुए थे और उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी जमकर पसीना बहाया है। तो ऐसे में राहुल का फाइनल में खेलना तय लग रहा था और उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी ताबड़तोड़ 128 रनों की पारी खेली थी और वो पूरी तरह से फाइनल के लिए फिट नजर आ रहे थे। लेकिन बीसीसीआई ने कल फाइनल के लिए 15 प्लेयर की लिस्ट जारी की है, जिसमें केएल राहुल का नाम शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि केएल राहुल को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और अब वह पूरी तरह से फिट भी नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक बीसीसीआई द्वारा उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया है, यह सभी को चौंका रहा है। लेकिन अब भारत के बड़े दिग्गजों की मांग हुई है कि केएल राहुल को फाइनल में ओपनिंग का मौका दिया जाए, क्योंकि वह पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब यह देखना होगा कि कल फाइनल में केएल राहुल को मौका दिया जाएगा या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को फाइनल में खेलते देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।